हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास नाइन्थ एंड दिस इज द क्लास स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। दिस इज द क्लास फॉर द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू क्लास नाइन्थ CBSE एंड RBSE। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टेक यू ए न्यू टॉपिक। The new topic is determiners, DETERMINERS, determiners. What is determiners? Determiners are the words. Determiners, the word has been taken from the Latin word determine, such words that are placed before a noun and determine the noun in the sentence. प्यारे बच्चों, हिंदी में बताता हूँ। Determiner वो शब्द हैं जो किसी वाक्य में noun से पहले आते हैं, संज्ञा से पहले आते हैं और उस वाक्य में उस संज्ञा का निर्धारण करते हैं, परिसीमन करते हैं, सुनिश्चितता करते हैं, डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है, प्रपोजिशन इन, इनटू, ऑन, ओवर, अबव, बाय, अमंग, बिटवीन, ड्यूरिंग, अक्रॉस, फ्रॉम, फॉर, टू, बाय, ये सभी संज्ञा से पहले भी आते हैं और सर्वनाम से पहले भी आते हैं। लेकिन आपका जो टॉपिक चल रहा है डिटरमाइनर्स, ये केवल और केवल संज्ञा से पहले आता है। डिटरमाइनर्स कभी सर्वनाम से पहले नहीं आते हैं। आपने दी का प्रयोग देखा होगा, चेयर से पहले दी चेयर, लेकिन चेयर के लिए हम इट का प्रयोग करें तो ये गलत है। मतलब इट का प्रयोग तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम इट से पहले दी नहीं लगा सकते। चेयर से पहले दी लगा दिया, दी चेयर। लेकिन हम यदि इसमें आपको इट से पहले दी लगा के बोलूं तो वो सेंटेंस क्या होगा? गलत। दी इट, दी आई, दी मी, दी यू, ए लिटिल इट, ए लिटिल मी, इफ यू आई, नो, इफ यू वी, नो। वी नेवर यूज डिटरमाइनर्स बिफोर ए प्रोनाउन। कौन कौन से डिटरमाइनर्स हैं प्यारे बच्चों? हमारे सिलेबस में सभी डिटरमाइनर्स हैं। आर्टिकल डिटरमाइनर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव, पजेसिव डिटरमाइनर्स, आपके क्वांटिफायर्स, क्वालिफायर्स, जिनको हम गिन सकते हैं वो भी, नहीं गिन सकते हैं वो भी, न्यूमेरियल्स, गिनने योग्य, ये सभी डिटरमाइनर्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं। कौन कौन से डिटरमाइनर्स हैं? ए, एन, दी, दिस, दैट, दीज, दोज, आई, अनदर, ईच, एवरी, सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, ए लिटिल, दी लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू। डियर स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू स्लोली, धीरे धीरे बात करता हूं। ए, एन, दी, दिस, दैट, दीज, दोज, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, ए लिटिल, दी लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू, माई, आवर, योअर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये पजेसिव डिटरमाइनर्स हैं जिनको हम पजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। पजेसिव प्रोनाउन नहीं कहते हैं। पजेसिव प्रोनाउन कौन से, कौन से आते हैं? माइन, मैं आपको इनका थोड़ा सा बता देता हूँ। डेफिनेशन लिखिए, such words
दैट आर प्लेस्ड बिफोर ए नाउन एंड डिटरमाइन द नाउन इन द सेंटेंस. Called determiners. ऐसे शब्द, such words, ऐसे शब्द that are placed, जो रखे जाते हैं before a noun किसी संज्ञा के सामने, and determine और सुनिश्चय करते हैं the noun संज्ञा का इन द सेंटेंस वाक्य में, कॉल्ड वे कहलाते हैं डिटरमाइनर्स, माने डिटरमाइनर्स निर्धारक शब्द कहलाते हैं, परिसीमक शब्द कहलाते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम यहां बात करते हैं कुछ डिटरमाइनर्स को. मैं लिख रहा हूं जिनको हम आगे पढ़ाएंगे, ए एन दी. This, that, these, those, ये एक साथ हैं. मतलब ये कहलाते हैं आर्टिकल डिटरमाइनर्स, ये कहलाते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव. फिर हम लेते हैं माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर. ये है आपके पजेसिव डिटरमाइनर्स, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी. Some, any, much, many, little, a little, the little, few, a few, the few. चलिए हम इनके बारे में ही अध्ययन आपको यहां करेंगे. प्यारे बच्चों, ए और एन, इन दोनों का प्रयोग हम करते हैं ऐसी स्थिति में जहां काउंटेबल नाउन हो, गिनी जा सकने वाली संज्ञा हो, और सिंगुलर नाउन हो, एक वचन हो, और अज्ञात हो. दी का प्रयोग करते हैं काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो. अब दी का प्रयोग कहां करते हैं? अद्वितीय वस्तुओं के लिए, ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की वस्तुओं के लिए दी का प्रयोग करते हैं. न्यूज़पेपर से पहले दी का प्रयोग करते हैं, खाड़ियों से पहले, महासागरों से पहले, महाद्वीपों से पहले, नदियों से पहले, नहरों से पहले, प्राचीन इमारतों से पहले, ऐतिहासिक भवनों से पहले, स्मारकों से पहले, दिशाओं से पहले, विशेषता से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, एक वाक्य में डबल कंपैरेटिव होने पर, किसी शहर या किसी व्यक्ति की दूसरे से तुलना करने पर भी दी का प्रयोग करते हैं. ये दी के बहुत सारे रूल्स हैं, चलो इनको बताऊँगा. इसके बाद आए दिस, दैट, दीज, दोज. एक वचन निकट की वस्तु के लिए दिस, बहुवचन निकट की के लिए दीज, एक वचन दूर के लिए दैट, बहुवचन दूर के लिए दोज, मेरे के लिए माय, आवर के लिए हमारा, तुम्हारे के लिए यूअर, उसके लिए हिज, हर के लिए, सी के लिए, और एक वचन स्त्री के लिए. इट्स एक वचन, निर्जीव वस्तु पेड़ पौधा के लिए, बहुवचन के लिए देयर का प्रयोग करते हैं.
आइदर का प्रयोग करते हैं कोई एक के लिए, कोई भी एक हो सकता है, इसके बारे में आप नहीं जानते। नाइदर का प्रयोग करते हैं किसी एक के लिए भी नहीं, जिसको आप नहीं जानते हैं। और ईच का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों प्रत्येक, और एवरी का मतलब भी प्रत्येक, लेकिन जब संख्या सीमित हो तो इसमें प्रत्येक ईच का प्रयोग करते हैं। संख्या सीमित नहीं होती है तो एवरी का प्रयोग करते हैं। सम कुछ, एनी कोई, मच ज्यादा जिसको गिन नहीं सकते, मैनी बहुत गिन सकते हैं, लिटिल थोड़ा सा, ना के बराबर किसी काम का नहीं, ए लिटिल थोड़ा सा, थोड़ा सा कुछ काम का, द लिटिल जो कुछ थोड़ा सा, फ्यू कुछ कोई काम का नहीं, ए फ्यू कुछ काम का, द फ्यू जो कुछ जिसके बारे में बात की जा रही है, ए लॉट ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, चलिए प्यारे बच्चों इनको आप कॉपी कीजिए, उतारिए, इसके बाद हम बात करते हैं आगे। आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इनको कॉपी कीजिए, या आपने कॉपी कर लिया होगा साथ साथ ही, या आप वीडियो को पॉज कीजिए। इनके बारे में अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप जमकर पढ़िए, मेहनत कीजिए प्यारे बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th इज ऑलवेज द प्लेटफॉर्म ऑफ क्लास 10th। जितना अच्छा आप 9th क्लास पढ़ोगे उतना ही अच्छा आपका क्लास 10th होगा। यदि आपकी 9th क्लास पिछड़ रही है, 9th क्लास में आप पीछे रहे हो, अच्छे से नहीं पढ़े हो, तो आपका 10th क्लास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इन प्रॉब्लम से बचने, टू अवॉइड दोज प्रॉब्लम्स यू हैव टू स्टडी हार्ड इन क्लास 9th। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर वेरी वेल एट योर होम, योर स्टडीज गोइंग वेल, एंड आई विश यू ए ब्राइट फ्यूचर, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।